विद्यार्थियों, आज पिछली कक्षा में अजंता कला के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अभी अजंता कला में अजंता गुफाओं की खोज कब हुई, किसके द्वारा की गई और ये कब प्रकाश में आई गुफाएं आदि अपन चर्चा करेंगे। अजंता गुफाएं 1819 ईस्वी में यूरोप के लोगों को इन गुफाओं का ज्ञान हुआ। मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक लोमड़ी का पीछा करता हुआ अजंता की एक गुफा में पहुंचा और उसने ये चित्र प्रथम बार देखी। इन चित्रों की सूचना अपने कंपनी अधिकारी को दी। रेजिमेंट के कंपनी अधिकारी अंग्रेज विलियम एस्किन ने एक लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। इसके पश्चात 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को इन गुफाओं का भ्रमण किया, निरीक्षण किया, देखा और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को इनका परिचय भेजा। इसके बाद 1843 तक किसी ने इनका ध्यान नहीं किया, किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। 1843 ईस्वी तक बाद 4 वर्ष तक इनका निरीक्षण व अध्ययन कर जेम्स फर्ग्यूसन ने इन गुफाओं का विवरण ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 में अजंता के चित्रों की स्टडी करने और उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने को भेजा। 1857 के विद्रोह का उस पर प्रभाव पड़ा। विद्रोह होते ही गिल ने यह कार्य बंद कर दिया। तब तक लगभग 30 चित्रों की अनुकृतियां तैयार हो चुकी थी। ये प्रतियां मेजर गिल ने अपने वतन इंग्लैंड भेज दी, जो 1866 ईस्वी की क्राइस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई कृतियों को। किंतु इस भवन में प्रदर्शनी के दौरान आग लगने से ये कृतियाँ जलकर राख हो गई। बाद में बनाई गई केवल 5 कृतियाँ ही शेष बची। तत्पश्चात 1872 ईस्वी से 1885 ईस्वी के मध्य बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल ग्रिफिथ महोदय तथा उनके शिष्यों ने सुंदर प्रतिकृतियाँ बनाई, जो 1885 ईस्वी की विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैंसिंगटन में प्रदर्शित की गई। परंतु इस प्रदर्शनी में भी आग लग जाने से ये नष्ट हो गई। इसके बाद ग्रिफिथ फिर भारत आए और इन्होंने
स्थिर चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई जो दो जिल्दों में 1896 में प्रकाशित हुई। उन्नीस से 1911 के बीच लेडी भारत की लेडी हेरिंगम भारत आई और इन्होंने स्वर्ग की नंदलास बसु, स्वर्गीय असित कुमार हल्दर, वेंकटप्पा एवं एस एन गुप्ता तथा कुमारी लार्चर व ल्यूक भारतीय कलाकारों के द्वारा पुनः अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई गई जो 1915 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुई और स्वतंत्रता के पश्चात ललित कला अकादमी दिल्ली में यहाँ के चित्रों की रंगीन फोटोग्राफी के प्रिंट का एक छोटा सा एल्बम फोटो के लिए तैयार कराए। ये थे अजंता के चित्रों की जो चर्चा है, किस प्रकार प्रकाश में आए और कितने चित्रों की प्रतिक्रिया बनाई। अब इन अजंता के भित्ति चित्र, इन चित्रों के बनाने की चित्रण जो विधि है, उस विधि के बारे में आगे है कि गुफा की खुर्द दीवार पर चूना प्लस खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का घारा आदि का प्लास्टर लगा दिया जाता था और चित्र बनाने का धरातल तैयार कर दिया जाता था। घारे का कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगोकर फुलाया जाता था। धान की भूसी भी मिलाई जाती थी, उड़द की दाल के पानी भी उपयोग किया जाता था। प्लास्टर की पहली तह 1/2 इंच से 1 इंच तक मोटी होती थी। इसके ऊपर सफ़ेद प्लास्टर का लेप किया जाता था। तत्पश्चात लाल, काले आदि रंगों से सीमा रेखाएं तैयार की जाती थी चित्रण के लिए और विरोधी स्थानीय रंगों का या काले सफ़ेद रंगों के प्रयोग से आकृति को स्थायी बनाया जाता था। ग्रिफिथ महोदय के अनुसार आकृतियों में केवल लाल रंग का ही प्रयोग किया गया था, ऐसा इन्होंने कहा था। अजंता भित्ति चित्रों के रंग, विद्यार्थियों, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंग प्रयोग में लिए थे तत्कालीन कलाकारों ने और वो रंग किस प्रकार तैयार किए जाते थे, इनके तैयार करने और प्रयोग में लेने की जो इनकी तौर तरीका, उनका जो विधि थी, कौन कौन से रंग कितने रंगों में आपस में मिलाए जाते थे और अधिकतर किन रंगों का प्रयोग हुआ आदि। रंगों में लाल, सफ़ेद, पीले, भूरे रंग, टेरावट और नीले रंग का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक तत्कालीन उस समय के कलाकारों ने किया था। सफ़ेद रंग अपारदर्शी हैं और इसे चूने या खड़िया से बनाया गया है। लाल तथा भूरे रंग लोहे के खनिज रंग हैं। हरा रंग स्थानीय पत्थर से बनाया गया है, खनिज पत्थर जो फारस से मंगाया जाता था उसका नीला रंग बनाया जाता था। शेष रंग स्थानीय है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी में प्रयोग लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, अजंता के चित्रों की गुफाएं और चित्रों का निर्माण, चित्रण करने की विधि और रंग के बारे में अपन ने यहाँ तक चर्चा की। अब आगे की कक्षा में अजंता के चित्रों के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।